ये है जेलो गाड़ी, ये जो है पंचर हो चुकी है, इसका जो है स्टेपनी जो है चेंज करेंगे। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, चाहे वो टाटा की हो, महिंद्रा की हो, हुंडई की हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर पंचर हो चुकी है दोस्तों, तो उसके लिए स्टेपनी चेंज करने के लिए आप सबसे पहले गाड़ी को समतल जगह पर खड़ी कर लें, जैसा इन्होंने खड़ी की हुई है समतल जगह पर, पूरी पहले व्यवस्थित रूप से खड़ी कर लें। फिर उसके बाद ये टैंक लगा लें, ताकि गाड़ी जो है आप जैसे ही नट खोलें तो आगे पीछे ना हो, उसके लिए टैंक लगा लिया गया है समतल जगह पर खड़ी करने के बाद। कि जैक लगाने से पहले दोस्तों नट को थोड़ा थोड़ा ऐसे ढीला कर लेंगे, जैसा अभी ये कर रहे हैं, ऐसा नट को थोड़ा ढीला कर लेंगे, उसके बाद जो है जैक चखाएंगे दोस्तों। चाहे आपके पास कोई भी जैक हो, आप अपनी गाड़ी के पीछे देख सकते हैं, टूल बॉक्स के जहाँ रह तो आपका जहाँ टूल बॉक्स रहता है वहाँ पर जैक होगी, वही आपके पास चाहे कोई वाला जैक हो, वो वाला जैक को निकाल लें, नट ढीला करने के बाद जैक चढ़ाएंगे। दोस्तों अब हो चुका है नट ढील, ये पांचों नट हैं, इसको ढील कर लिए हैं, और जैक को जो है सही जगह पर, सही पोजीशन पर लगाएं, जैसा कि आप जो है जैक यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं दोस्तों, और थोड़ा अंदर भी लगा सकते हैं इधर, लेकिन ये सही जगह पर लगा हुआ है। मतलब सही जगह पर जैक लगाने के बाद जो है ऐसे टाई राड से ऐसे उठा दें, जैसा ये अभी उठा रहे हैं, तो आपका चक्का पहले पूरा उठ जाएगा, तब फिर उसके बाद जो है ये चक ये जो नट हैं उनको और बिल्कुल निकाल लेंगे, फिर चक्का निकाल जाएगा। उसके लिए देख लें, पूरा जब उठ जाएगा, जब ये हाथ आपका इधर ऐसे ये देख लीजिए दोस्तों निकल जा रहा है, वैसे ही आप जब निकलने लग जाए तब ये नट जो है बिल्कुल ढीला, देखिए ढीला हो गया है, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये निकल गया, मतलब ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों, इसको पूरा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है ये वाला टायर निकाल, ये वाला चक्का बदल करके जो ये रखा हुआ है स्टेपनी हमारा, इसको लगा देंगे, ये बदल रहे हैं इसका ऐसे ही, मतलब करते हैं दोस्तों। चाहे आपका छोटी कार हो, बड़ी कार हो, कोई भी गाड़ी हो, ऐसे ही किया जाता है दोस्तों स्टेपनी चेंज, टायर चेंज। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, या फिर आपका टायर कमज़ोर, चक्का कमज़ोर है और स्टेपनी लगाना चाहते हैं, स्पेशली दोस्तों जब पंचर हो जाती है उसके बाद ही स्टेपनी चेंज करते हैं, तो आप भी वैसे ही करते हैं दोस्तों स्टेपनी चेंज करते समय। ये देखिए ये बिल्कुल पंचर हो चुकी थी दोस्तों, उसके बाद जो है चक्का को ऐसे जो स्टेपनी होता है उसको ऐसे ले जा करके लगा देंगे, ये सही पोजीशन पर नहीं होता है, इसको हल्का उठा के लगाना होता है, जो बोल्ट के जो जगह होते हैं उसमें जो है बैठाना होता है हल्का उठा करके, जैसा अभी गोलू भाई बैठा रहे हैं। उसके बाद जो है नट को कस देंगे, पूरा नहीं कसेंगे, इसे मतलब फंसा देंगे और इतना कर देंगे, इतना मतलब नट कस देते हैं ताकि चक्का जो है टाइट रहे, और उसके बाद जो है जैक उतार करके पूरा नट जो है बराबर टाइट करेंगे। ये अभी नट फंसा रहे हैं, चलिए फंसाते हैं, ये नट ऐसे फंसा दिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये देखिए अभी उल्टा फंसा रहे थे, इसको सही फंसाएं, सही पोजीशन पर देख लें। स्टेपनी जो है बदल रहे हैं, तो उसके लिए जैक उठाने के बाद स्टेपनी पुराना वाला ये इसको निकाल लिया गया है, फिर उसको वो वाला लगा दिए हैं, अब नट कस रहे हैं, पूरा नट कस लेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद जैक को निकालेंगे, आगे देखिए फिर पूरा नट कस देंगे दोस्तों। नट इसको कस दिए हैं, ये स्टेपनी को फिर वापस रख दिए जहाँ स्टेपनी था, मतलब स्टेपनी को लगा लिया, अब चक्के को जो है वापस जो है जहाँ था स्टेपनी वहीं उसी जगह पर उसी स्थान पर रख दिया गया है। अब जो है दोस्तों जैक उतारेंगे, जैक उतार दिए टाई राड से। आपके जब भी आप चलें अपनी गाड़ी में, तो ये टाई राड और जैक का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दोनों को रखे रहें, दोनों देख चेक कर लें, जब भी कार पे चलें, जब भी अपनी गाड़ी पे चलें, तो जैक और टाई राड, स्टेपनी में हवा जरूर चेक कर लें दोस्तों, तभी आप जो है पंचर जो है बना पाएंगे, स्टेपनी आपका आप चेंज करेंगे तो चलेगा, नहीं तो स्टेपनी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हवा ही नहीं होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम चली जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, स्टेपनी में हवा तो होता है, जैक भी होता है, लेकिन टाई राड नहीं होता है, उससे भी नहीं बन पाया करता है, समस्या आ जाती है, इसलिए तीनों चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, स्टेपनी में हवा, जैक, टाई राड और ये पाना, जो जिस नंबर का लगता है वही वाला पाना रख लें दोस्तों।
अब दोस्तों देखिए फाइनल एक बार टाइट कर रहे हैं ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। ये टाइट हो रहा है, मतलब स्टेपनी चेंज करने के बाद जो है लगाने के बाद भी एक बार फिर से चेक कर लें और लास्ट में अंतिम बार टाइट कर लें दोस्तों। यही पूरा प्रोसेस होता है जो हमने शुरू से बताया है, ऐसे ही करिए। नहीं अगर आप स्टेपनी नहीं बदलते हैं, पंचर गाड़ी चलाते हैं, तो आपका नया जो है दोस्तों टायर फट जाएगा, भले वो उसमें पंचर ना हो, ट्यूबलेस टायर हो तो वो भी फट जाता है दोस्तों, और ट्यूब वाला हो उसे भी फट जाता है। इसलिए यह वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और यह वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।